चलो आज का पूरा दिन खराब हो गया, सुबह खराब हो गई है, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई के लिए हम मौजूद हैं। आपके कल के जो एग्जांपल्स थे जहाँ पर हम कंटिन्यूस थे, वो एग्जांपल 38 बताया था मैंने, 37 बताया था, 38 के जंप करने के बाद मैं 44 पर गया था, आज मैं 39, 40, 41, 42 आदि आपके लिए ले आया हूँ, जो इस चैप्टर के सबसे बड़े सवाल हैं। आप देख रहे हैं 41 एक क्वेश्चन है जो एक पेज में लगाया है। इस सवाल को भी हम आपके लिए 3 या 4 लाइन में लेकर आएंगे। आप 40 देख पा रहे होंगे, इस आधे पेज में इधर की तरफ लगा दिया है, वो भी 2 या 3 लाइन आएगा। और आज का पहला सवाल 39, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पल 39 बात करें। अबे बंद करो यार तुम लोग बेवकूफ कहीं के, अब बंद रहना तो बात मत करो, वीडियो बना रहा हूं। मतलब हाँ कोई क्लास नहीं होगी, बंद कर दो, अब कोई फोन ना करे। आ जाओ, आज का सवाल है एग्जाम्पल 39। अभी सवाल अगर आप किताब से जाकर लगाओगे तो वो झेलना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आप हमारे साथ लगाओगे तो हो सकता है लगाना ही ना पड़े, ओरल लग गए। कैपेसिटर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 7-8 दिन से, और अभी चलनी भी है उतनी, उससे कम में काम भी नहीं होगा, फिर आपको हमेशा के लिए आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। देखना ये आज का सबसे अच्छा सवाल है आपके पास। आज मैं नेटवर्क सर्च ही कर लेता हूँ कहीं ना कहीं, ब्रॉडबैंड का अच्छा इंटरनेट जहाँ चलता हो, अच्छी स्पीड आती हो, पैसा जो लगे सो लगे। 100 पिकोफेरेट ये भी है, 200 पिकोफेरेट और ये भी है 200 पिकोफेरेट और ये है 200 पिकोफेरेट और यहां एक लगाई गई है 200 वोल्ट की बैटरी। सवाल आया है संयोजन की तुल्यधारिता, चलो ओरल बताओ, बताओ कितनी होगी। बिल्कुल, सबसे पहले बैटरी से करंट लेके चलेंगे, पहला काम कौन श्रेणी में है कौन क्रम में, कभी देख करके डिसाइड नहीं करेंगे। बेसिक भूल होती है जब आप देखने लग जाते हैं। पहला काम कर लीजिए, यहां से करंट लेके चलिए, ये करंट यहां तक पहुंची या चार्ज कह लीजिए, ये चार्ज यहां डिवाइड हो गया। पहला काम जो डिवाइड हुआ है वो इसमें एंट्री मार रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 200 और 200 की सीरीज, हमने कहा था दो सेम कैपेसिटर हो सीरीज में हो, कैपेसिटेंस आधा हो जाता है कैपेसिटेंस। अब 200 × 200 / 200 + 200 करने की जरूरत नहीं है, सेम कैपेसिटर की वैल्यू हो, 2 सीरीज में लगे हों, आज के बाद उनका इक्विवेलेंट निकालना हो, ठीक 8 मूल दीजिए और आधा कर दीजिए, हो गया 200 और 200 की सीरीज मिलके क्या हो जाएगी 100। अब 100 के साथ इस 100 का पैरेलल हो जाएगा, 100 के साथ इस 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 और 100 पैरेलल होके कितने हो जाएंगे 200। अब 200 के साथ इस 200 की फिर से सीरीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फिर से 100 इसका आंसर होगा, लगाने की जरूरत नहीं, 100 आंसर होगा, काम गया 100। इतने तो देखना है, ये करंट देखी हमने 200 के साथ 200 की सीरीज मिल रही है, तो 200 200 सीरीज होके 100 हो गए, इस 100 के साथ इस 100 का पैरेलल मिलके 200 हो गया, पैरेलल है ना ये। अब अगर आप इसी को रिकनेक्ट करना चाहें, दोबारा बनाना चाहें, तो दोबारा बनाइए इस सवाल को, ऐसे आप रीड्रॉइंग करना जारी रखें, जब तक आपको कम समझ आता है तब तक आप रीड्रॉइंग की कंटिन्यूटी बनाए रखिए। लीजिए रीड्रॉइंग की कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसका नाम 100 पिकोफेरेड है, इसका नाम 200 और 100 की 200 की सीरीज होकर के फिर से 100 हो गया है पिकोफेरेड, और ये 100 पिकोफेरेड था ही कि 200 था। अब देखिए बैटरी तय करती, देखिए देखने में तो देखने वालों को लग रहा होगा कि ये तीनों पैरेलल में है, हाँ देखने वालों को क्या लगेगा ये तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये बात गलत, ये तीनों पैरेलल में नहीं है। ऐसे जो सुने बिना काम करते हैं वो दिन भर ऐसे उलझे रहते हैं, उन्हें पता नहीं लगता हमारे साथ क्या हो रहा है, दिखने में लग रहा है ये तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये बैटरी तय करेगी कौन सीरीज और कौन पैरेलल है,
बैटरी से आने वाला चार्ज, यहाँ तक तो आया, यहाँ और यहाँ डिवाइड, यहाँ से बैटरी से आने वाला चार्ज अगर डायरेक्ट तीनों जगह डिवाइड होता तो ये पैरेलल होता, लेकिन बैटरी से निकलने वाला चार्ज यहाँ तक आया, अरे यहाँ तक पहुँचा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल में क्या तीनों हैं कि ये दोनों हैं केवल? हाँ ये सिर्फ दो हैं। हाँ अगर यही बैटरी यहाँ की बजाय, बैटरी की पोजीशन तय करती है कौन सीरीज कौन पैरेलल है, अगर वो बैटरी यहाँ लगी होती तो उस बैटरी से निकलने वाला चार्ज यहाँ 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 जाता, मतलब ये तीनों पैरेलल होते, लेकिन ये बैटरी अपनी पोजीशन वहाँ से छोड़ चुकी है, ये बैटरी यहाँ लगी है। और अगर वो बैटरी वहाँ लगी है तो एक बात पक्की है कि ये कैपेसिटर इन दोनों के साथ पैरेलल में कदापि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये करंट यहाँ से आएगी, बैटरी से आने वाली करंट इसमें आई है ना, और ये करंट या चार्ज यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट हो, तो पहली बार पैरेललिटी किसकी है? 100 और 100, तो 100 और 100 पैरेलल में आके कितने हो जाएंगे? 200। तो अगर आपका दिल करे तो एक छोटा काम कर लीजिए, इस ब्रांच को उखाड़ दीजिए, इसको कह दीजिए 200। अब बताओ 200 के 200 का सीरीज है कि पैरेलल है? तो जो देखता है, जैसे तुमको गलत ट्रेनिंग दी गई है तो कहेंगे अरे देखने से तो लग रहा है बढ़िया पैरेलल है, तो 200 200 का आंसर कर दिया, प्लस गलत हो जाएगा। बैटरी तय करती है कौन सीरीज और कौन पैरेलल। तो इस बैटरी से आने वाला चार्ज या करंट ऐसे इसमें घुसा, और वही चार्ज से, जो चार्ज यहाँ से चल रहा था वो चार्ज यहाँ से एंट्री करते करते इसमें एंट्री मार गया। इसका मतलब ये सर्किट कैसा है? सीरीज है कि दिखने में पैरेलल दिख रहा है? हाँ, ये बैटरी अगर यहाँ की बजाय यहाँ लगी होती है तो दिखता ही पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल कभी किसी सर्किट से तय नहीं होता है, वो बैटरी तय करती है। बैटरी मेरी यहाँ लगी हुई थी तो बैटरी से निकलने वाला आवेश यहाँ आया, यहाँ से घूम करके यहीं गया, तो जो आवेश इसमें एंट्री मारा था वही इसमें गया। तो मैंने बार बार बताया चार्ज अगर सेम हो तो सीरीज और डिवाइड हो तो हो गए। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200 के साथ 200 की सीरीज निकालता तो फिर से वापस 100 आता। पहले पार्ट का जवाब अपने आप आ गया। इसके बाद भी सवाल नहीं खत्म हुआ है। C1 पर आवेश, तो इसका नाम C1 था, इसका नाम C2 था, इसका नाम C3 था, इसका नाम C4 था। दूसरा प्रश्न आने वाला है C1 संधारित्र पर आवेश, यानी यहां कितना आवेश है, यहां कितना आवेश है, तो इसी का नाम था C1 जो 100 यहां लगा हुआ था, तो इसका चार्ज पूछा गया है, इसका चार्ज पूछा गया है कितना होगा। तो अब हमारे पास एक सवाल है, C1 का चार्ज और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, तो संयोजन की कुल ऊर्जा पहले ही निकाल लीजिए। तीसरे सवाल का जवाब 10 सेकंड में पहले लिखिए। संयोजन की कुल ऊर्जा यानी कुल धारिता कुल वोल्टेज, हाफ सी बी स्क्वायर, तो इसकी कुल धारिता कितनी आ गई थी? 100 पिको फेरेड। पिको कितना होता है? और वी इज द वोल्टेज जो हमारी बैटरी का दिया हुआ था क्वेश्चन में, 200। 200 का स्क्वायर करता इतना होता, इसका कैलकुलेशन लेता, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 6 पावर हट जाती, 2×10⁻¹ जूल आपका आंसर होता, करेक्ट? एनी डाउट? अब एक जो इसका सेकंड वाला माजरा देखिए, तीन प्रश्न थे, पहली लाइन में पहला प्रश्न आ गया, एक लाइन में तीसरा आ गया, हाफ सी बी स्क्वायर भी तो लगाना था। लेकिन जो अब इसका बीच वाला पार्ट है, इस वाले आवे, इस वाले कैपेसिटर का चार्ज, वो अपने आप में एक अच्छा प्रश्न कहा जाएगा। लेकिन क्या मजा वो बाहर भाग के जाए? हमने कहा अभी आपसे कि अगर आपको रीड्रॉइंग करना हमने सिखा दिया, देखिए यही आपको सीखना है। अभी मैंने समय क्यों मांगा है बार बार, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि 4-6 दिन दीजिए? क्यों? क्योंकि आपको यही अब ट्रेनिंग मिलेगी कि सर्किट की रीड्रॉइंग कैसे की जाती है। अगर आप देखिए यहाँ से, तो ये बैटरी से निकलने वाला चार्ज पहले इसमें गया है, फिर इन दोनों का सीरीज हुआ है, फिर इसका पैरेलल हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस सर्किट को ऐसे डिजाइन करूँगा, इस सर्किट को मैं ऐसे डिजाइन करूँगा,
जो लेटा है, मैंने इस सर्किट को, ये लेटा लेटा बना था ना ऐसे, मैंने इसको खड़ा कर दिया, कोई तकलीफ हो तो बता। सर्किट मैंने सेम रहने दिया है, ये ऐसे ऐसे मैंने इसको ऐसे ऐसा खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? ये कितने वोल्ट की बैटरी थी? ये माइक्रो फैरड था, ये पिको फैरड था 200, ये भी था 200, ये भी था 200, और लास्ट वाला था 100। ऐसा ही तो सीन था। सुनो, सबसे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है 100 पिको फैरड निकाला है ना, समय तो आया था। अरे इसे और फिर से निकालो ना, ना याद रह जाए, फिर से निकालो। ये जाएगा यहाँ, इन दोनों की सीरीज होगी 200, 200 की सीरीज 100 आएगी, 100 के साथ 100 का पैरेलल 200 हो जाएगा, 200 के साथ 200 की सीरीज 100 हो जाएगा। सबसे पहला काम करो, इसमें निकलने वाला चार्ज पता करो। क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी है 100 पिको फैरेड और वी इज द गिवन वोल्टेज 200। इसके अंदर इसकी रगों में दौड़ने वाला चार्ज 2×10⁻¹ कूलम है, जो इस बैटरी से निकलेगा। निकलेगा क्या? बैटरी का वोल्टेज कितना था? 200। मैं आपसे कहूंगा ये चार्ज जिस दिन इस पहले वाले कैपेसिटर के अंदर घुसेगा, तो पहला वाला कैपेसिटर कुछ वोल्टेज खाएगा क्या? V बराबर क्यू बाई सी, V बराबर क्यू बाई सी। तो मेरा क्यू कितना है जो बैटरी से निकाला है? 2×10⁻¹। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 200 पिको फैरेड। पिको माइनस की 12 घात होता है, पिको माइनस की कैलकुलेशन किया तो इसको उड़ाया तो माइनस की 10 घात बचा जाए, माइनस की 10 घात ऊपर की 8 घात को खत्म करेगी, दो दो को काटेगा तो 100 वोल्ट। यानी इस कैपेसिटर ने 200 में का 100 वोल्ट अपने हवाले कर लिया, नहीं कर दिया। अब बचा कितना वोल्टेज? 100 वोल्ट बचा होगा, बचा कितना? 200 था, 100 वोल्ट इसने खा लिया, तो कितने वोल्ट बच गया? 100 वोल्ट। अब जो 100 वोल्ट बच गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मैंने बताया है, तो बचा हुआ 100 वोल्ट जो है वो इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस और इस अकेले के क्रॉस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो 100 वोल्ट बचा है, देखिए 100 वोल्ट तो ये खा लिया है, लाइन में बैठा था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो 200 में का 100 वोल्ट तो ये खा गया, तो बचा वोल्टेज कितना था? और जो 100 वोल्ट बचा वो यहाँ दिख रहा है, वही 100 वोल्ट यहाँ भी तो दिखेगा। मैंने बार बार बात की है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, क्या दोनों लाइनें पैरेलल में है? तो जो 100 वोल्ट यहाँ दिख रहा है वही 100 यहाँ और वही 100 यहाँ दिखेगा। तो मुझे इस कैपेसिटर का चार्ज पूछा गया था, तो हमें पता चल गया इस कैपेसिटर के अक्रॉस 100 माइक्रोफेरेड वाले के अक्रॉस कितने वोल्ट का वोल्टेज है? 100 वोल्ट। तो अगर यहाँ का कोई चार्ज हमसे पूछता है क्यू, तो क्यू बराबर सी वी नहीं होगा, क्यू बराबर सी वी। तो 100 पिको यानी 10⁻¹², वी यानी 100, कैलकुलेट किया तो 1×10⁻¹ कूलम आपका आंसर। यानी इस सवाल को एनसीईआरटी ने आपकी किताब में जगह दी है, मतलब स्पेशल वहां होगा, तो अभी शुरुआत थी। इस तरह का एक पहला सवाल आपके सामने आया है, जो अब आपको चार्ज वोल्टेज एनालिसिस सीरीज पैरेलल का ढेर सारा कंसेप्ट सिखाएगा। ये एग्जांपल था हमारा 39। अब उसी क्रम में आ रहा है एग्जांपल 40। एग्जांपल 40, एग्जाम्पल 40 वाच कर ले। बिल्कुल सरल और सीधा सवाल होगा, बस सवालों को समझना है और इस नई टेक्नोलॉजी के साथ, अभी तक एक कुछ नया काम पुराना काम चल रहा था, यहां से प्रोसेस चेंज हो गए हैं, सवाल बदल गए हैं। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है नीचे आपने? 6 वोल्ट, राइट। ऊपर का एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, एक और कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का है, एक और कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का है। सवाल आ रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित निकाय की धारिता और 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश, तो 5 वाला यही है, हमें इसका चार्ज पूछा गया है और परिपथ की तुल्य धारिता पूछी गई है, तुल्य 5 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश और निकाय की तुल्य धारिता।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक पूरा पेज लगा के रखा होगा, लगाना भी नहीं पड़ेगा इस सवाल को, लगाना भी नहीं पड़ेगा, हम इसे और दिखाएंगे आपको। इधर से देखिए, सबसे पहला मैटर ये होता है कि बैटरी से निकलता है चार्ज, वही तो तय करता है। ये निकला हुआ चार्ज कहाँ गया पहली बार? इस ब्रांच में। इसका नाम दे दिया मैंने Q1। तो जो चार्ज यहाँ से गया, इसके बाद कुछ बचा होगा उसका नाम Q2 दे दिया, जो चला गया यहाँ। ये चार्ज यहाँ आगे बढ़ के फिर दो ब्रांच में चला गया, इसका नाम हमने Q3 और इसका नाम Q4 दे दिया। कोई तकलीफ? अब हमें सबसे पहले तुल्यधारिता चाहिए, तो मैंने बार बार सर्किट में बताया, सर्किट हमेशा होशो हवास से किया जाता है, एक लाइन में किया जाता है। तो आप ये बताओ, क्या पहले चार और तीन का पैरेलल सॉल्व करोगे? सर्किट एनालिसिस करने जाएंगे, बोले गुरु जी आप ही तो कह रहे थे डिवाइड होता तो पैरेलल होता, 4 3 7 हो गया, गलत हो जाएगा। पहले सर्किट की लेंथ को जाना है, देख लेना है कहीं इस 3 के साथ कोई और आगे तो नहीं है। तो आगे हमने देखा कि 1 के साथ 5 का पैरेलल लगा है, तो पहले 1 और 5 को निपटाओ, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 के साथ 3 की सीरीज हो गई, हो गई क्या? 6 3 की सीरीज किया तो 2 आ जाएगी, ओरल कर लो, क्षेत्र का 18/9, 6 3 की सीरीज 2 हो जाएगी, और 2 के साथ इस 4 का पैरेलल आंसर होगा 6। पहले सवाल जिसको लगाने के लिए आपकी बुक और आपके राइटर ने एक पेज का पूरा स्टेटस खर्च किया है, वो मेरा सवाल का जवाब ओरल है 6। देख लीजिए, आप भी तो देखिए, आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा बैटरी से चार्ज चलेगा, ये चार्ज यहां और यहां डिवाइड होगा, तो कुछ बकलोल किस्म के कहते हैं, गुरु जी आप कहते हैं चार्ज डिवाइड होता है तो पैरेलल होता है, तो पहले 4 3 7 लिख दें क्या? मैं कहता हूं पहले कुछ नियम कानून और कायदे होते हैं, उस कायदे को समझो। अगर इस टीम के साथ इसकी ब्रांच में कोई और कैपेसिटर है, जब तक उसका समायोजन नहीं करेंगे तब तक इस साथ के साथ करेंगे, 4 3 7 जरूर पैरेलल करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए इस 3 वाली ब्रांच के साथ किसी का समायोजन है क्या? है ना, इसके आगे कौन कौन? 1 और 5 का पैरेलल लगा है, तो पहले उनकी पैरेलल थी तो 6 हो गए, और 6 के साथ 3 का सीरीज है, तो देखो इस ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ, इस ब्रांच के साथ ये ब्रांच बेशक पैरेलल में, लेकिन क्या इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 है, कैपेसिटेंस 3 है? कदापि नहीं, उस ब्रांच में इसका समावेश है, तो 5 और 1 6 हो गया पैरेलल, 6 के साथ 3 की सीरीज आ गई 2 के साथ 4 का पैरेलल, आराम से आंसर होगा 6। यानी जो सवाल इन्होंने लिख के रखा था वो जवाब आपके लिए ओरल था 6 माइक्रो। और जब तक आप छोटे हैं, जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती है कि यार इतना जल्दी और इतना अच्छा कैसे करें, मेरे से तरीका सीखिए, आप इनके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखिए। कुछ आधारभूत नियम है, उनको फॉलो करके इक्विवेलेंट सर्किट आपने इक्विवेलेंट जब बनाने आप गए, तो सबसे पहले इन दोनों को आपने समेटा, 1 और 5 को समेटा तो कितना है? 6 है। तो आपका जो रीड्राइंग करने के बाद सर्किट बना वो ये था, ये 3 था और ये कितना हो गया? और यहां नीचे लगा हुआ कैपेसिटर 4 था और बाहर लगी हुई बैटरी 6 वोल्ट की थी। इस सर्किट की रीड्राइंग आपको समझ आ गई? अभी भी रीड्राइंग फिर से करें। अब आपने देखा अगर इसको फिर से एक बार इक्विवेलेंट में तब्दील करना है, तो 6 और 3 का सीरीज है, 6 3 का सीरीज ओरल निकाला करो, 2 कैपेसिटर का दोनों को गुणा कर दे, 2 जोड़ के भाग दे दे, तो 6 3 का 18 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो उन दोनों को समेटा फिर से कितना आ गया? 2। और फिर पीछे आए तो ये कैपेसिटर कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप फिर से एक बैटरी यहां नीचे लगाने में कामयाब रहे, ये कितने वोल्ट हो गया? 6 वोल्ट। अब हमें दिख रहा है 4 के साथ 2 का पैरेलल है, 4 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड। पहले पार्ट का काम हो गया, रीड्राइंग करके बिना कुछ करे निकाले बार के तो ओरल लगवाने को मैं कहता हूं। आगे स्टेप है, कह रहा है इसमें एक और सीन पता लगानी थी, एक और सीन था 5 माइक्रोफेरेड का जो एक कैपेसिटर है, यहां आपको चाहिए था चार्ज, यहां चाहिए था आपको चार्ज। तो सुनिए मेरी बात, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो पूरी यहां लगी है, और वही 6 वोल्ट आपको यहां भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो बेसिकली हम अगर ऐसे जाते इससे यहां तो ये 6 वोल्ट था, तो यहां भी 6 वोल्ट होता और यहां भी 6 वोल्ट होता,
लेकिन वो 6 वोल्ट इस 3 और 6 के पास थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता, क्योंकि वो दोनों सीरीज में, 6 वोल्ट तो इस ब्रांच का है तो इस ब्रांच पर और पूरी उस ब्रांच पर होगा, लेकिन 6 वोल्ट क्या 3 और 6 के बीच में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा? निश्चित तौर से भाई, ना पूरा 3 को जाएगा ना पूरा 6 को जाएगा, थोड़ा उसको जाएगा थोड़ा उसको जाएगा। ठीक, अब हमें मामला ये पता लगाना है कि किसको कितना जाएगा, किसको कितना। तो एक स्टेप आगे चले जाओ, मैं अगर इस ब्रांच का चार्ज पता कर लेता क्यू, क्या पता कर लेता, तो क्यू बराबर होता सी वी, क्यू बराबर होता, तो ऊपर वाली ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, ऊपर वाली ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस कितना है और ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना लगा हुआ है, तो ऊपर वाली ब्रांच पर टोटल चार्ज कितना जाता, 12। ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर टोटल चार्ज कितना एग्जिस्ट करता, 12 माइक्रो कूलम्ब। बोलो, अब ऊपर वाली ब्रांच पर टोटल चार्ज 12 जा रहा होता तो मैं वापस लौट आता, ये इसी ब्रांच का ये सब्स्टिट्यूट तो था, इससे वो बना था, तो उसका ये था कि नहीं था, इसका मतलब यहां पर चार्ज कितना जा रहा था, 12। अब 12 इसके जा रहा था तो 12 उसको भी जा रहा होता, पक्का है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 6 माइक्रोफेरेड वाले पर कितना वोल्टेज है, तो V बराबर Q बाई C लगाइएगा क्या, V बराबर, तो Q कितना है, 12 घुस रहा है और C इसका 6 है, तो कितने वोल्ट आता, यानी इस 6 वोल्ट में का इस 4 के क्रॉस तो पूरा 6 का 6 होता, लेकिन ये जो 6 पूरा ऊपर की ब्रांच में जाता तो 2 वोल्ट इसे मिलता, तो बाकी बचा 4 वोल्ट इसे मिलता। तो मैं फिर वापस लौटता हूं, जो 6 मेरा था वो 5 और 1 का पैरेलल ही तो था, तो फिर मैं वापस आया तो इसका मतलब साफ साफ पाया कि जो ये 2 वोल्ट था वो यहां रहा होगा। अरे अगर ये 6 जो था वो 5 और 1 के कॉम्बिनेशन से तो बना था, तो ये वापस 2 वोल्ट यहां होता कि नहीं होता। तो हम क्या करते, हमें पता करना था इसका चार्ज, इसका तब क्यू पता है, वो क्यू पता करना है, सी पता है, वी पता है, तो मेरा आंसर 10 होता कि नहीं होता। इसका आंसर मेरा 10 माइक्रो कूलम। जाके किताब देखो, एक पेज पूरा भर करके लाया है, कहीं भी समझा नहीं पाया है कि ये 10 कैसे आया। बाकी हम तो ओरल लगा सकते थे इसको, कलम भी नहीं उठाना था, दिखाओ, कुछ नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं, शुरू भी नहीं करूंगा, देखना ओरल एनालिसिस करता हूं। हमारा ये ओरिजिनल सर्किट था, देखते हमने देखा कि ये चार्ज यहाँ से गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो सबसे पहले दोनों का पैरेलल था, 4, 5 और 1 का पैरेलल 6 आया, 6 के साथ 3 की सीरीज 2 आई, 2 के साथ 4 का पैरेलल 6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था 6 हो गया, खेल खत्म। दूसरा पार्ट पूछा था इसका चार्ज, अब इसका चार्ज उस दिन मिलेगा जिस दिन इसका वोल्टेज मिलेगा, तो मैंने तलाश शुरू कर दी इसके वोल्टेज की। हमको यहीं से दिखने में लगा था कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट यहाँ एग्जिस्ट करेगा और 6 वोल्ट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, पक्का है। बेसिकली 1 और 5 का क्या था, पैरेलल था, तो 6 था वो। हमने कहा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, बार बार बता रहा हूँ, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, और तो ये 3 है ये 6 है, हम इन दोनों को समेट देते 6 होता ना, तो 3 और 6 में जो ये 6 वोल्ट है वो डिवाइड होता। अब वोल्टेज अगर कैपेसिटेंस बराबर बराबर होता तो वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड हो जाता, लेकिन कैपेसिटेंस 1 का 3 1 का 6 है तो बराबर डिवाइड नहीं होगा, तो जो इनके कैपेसिटेंस का रेशियो होगा उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होगा। तो ये 3 ये 6 यानी 1 का कैपेसिटेंस दूसरे का दुगना है, तो 1 का वोल्टेज दूसरे का दुगना होगा, तो 6 वोल्ट के से 2 हिस्से करो कि 1 हिस्सा दूसरे का दुगना है, 2 और 4 ही है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा, क्योंकि V बराबर होता है क्यू बाई सी, V बराबर होता है क्यू बाई, तो क्यू तो सीरीज में सेम होता है, तो जिसका सी छोटा होगा उसका भी बड़ा नहीं होगा। तो ध्यान दिया जाता है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा, सीरीज में वोल्टेज जिस रेशियो में कैपेसिटर है उसी रेशियो में वोल्टेज में डिवाइड होगा। तो कैपेसिटर 2 और 3 और 6 था, तो 3 6 का रेशियो आपस में दुगने का होगा कि नहीं होगा, 3 दुना 6, तो 6 वोल्ट के भी 2 ऐसे हिस्से करो कि एक हिस्सा दूसरे का दुगना है, एक हिस्सा दूसरे का 2 4, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा वहां वोल्टेज कम और जिसका कैपेसिटेंस कम वहां वोल्टेज ज्यादा। तो तुमको पता है कि आपका वोल्टेज होगा 2 और 4, क्या होगा 2 और 4, तो 4 वोल्ट कम वाले का होगा,
जिसका कैपेसिटेंस कम उसका वोल्टेज ज्यादा दिख रहा है ना यहाँ, तो चार वोल्ट इसके हिस्से में आएगा, तो दो वोल्ट इसके हिस्से में आता, मुझे वोल्टेज मिल गया क्यू बराबर सी वी, मेरा आंसर होता। यानी इस एक पेज में लगे सवाल को हमें कलम पर उतारना भी नहीं था, सत्य यही है। अगला सवाल अब देखना, उसके आगे वाला जो एग्जांपल 40 दिख 41 दिख रहा है उसको भी आप देखें, इस पूरे एक पेज में और अगले पेज में चला गया, इसे भी हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, एक लाइन भी पेपर पर कलम पर से नहीं लिखना है, केवल डायग्राम बना के आपको सिखाऊंगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड आप पकड़ लोगे तो उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, उस दिन से तुम्हारी दुनिया इस सर्किट के मायने बदल देगी, और जब तक सर्किट को सर्किट समझते रहोगे कभी सर्किट समझ नहीं आएगा। चलो अगला सवाल लगाता हूँ, देखना अभी सवाल है ये 41 नंबर, सब बच्चे अपनी किताब में वॉच कर लेंगे, देख लेंगे ये क्वेश्चन पूरे एक पेज में यहाँ और अगले पेज में आधे यहाँ लिखा है। जितने भी प्रश्न इसके हैं, अगर 5 प्रश्न है तो 5 लाइन लगाऊंगा, 6 प्रश्न है तो 6 लाइन लगाऊंगा, जितने प्रश्न है उतने लाइन लगाऊंगा। चलो क्वेश्चन देखता हूँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल 41 है, एग्जाम्पल 41, ये एक 1500 वोल्ट की बैटरी है, ये एक 12 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, यहां भी हम आते हैं आपके साथ 20 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर लेकर, और यहां एक 3 माइक्रोफेरेट का और कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको रियल एनालिसिस करनी है, रियल स्टूडेंट बनना है तो आप तरीके फॉलो करिए, 20 माइक्रोफेरेट और ऊपर रह गया 12 माइक्रोफेरेट, राइट सीन बनाए रहे। प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो इसका नाम ए और इसका नाम बी दिया गया है प्रश्न में। इसी प्रश्न में इस बिंदु का नाम ए डैश और इस बिंदु का नाम बी डैश भी दिया गया है, और पहला प्रश्न पूछा गया है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। मैं फिर कहता हूं कि आप छोटा सा काम कर लीजिए, मेरी बात मान, इस बैटरी से चार्ज चलेगा क्या? ओरल लगाऊंगा, एक स्टेप कैलकुलेशन का नहीं करूंगा। यह बैटरी से निकला चार्ज यहां एंट्री किया क्या? जो चार्ज यहां एंट्री कर रहा है वो यहां और यहां डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप यहां देख पा रहे हो जो डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल में है क्या? तो 3 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 5। तो अगर मेरा मन करे जब तक आप छोटे बच्चे हैं तब तक आप इसकी रीड्रॉइंग जारी रखिए, 1500 वोल्ट की बैटरी, 12 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर, इन दोनों को समेट के एक कर दिया तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। चाहे आप ये 2 उखाड़ के इसे 5 कह दिया, 3 उखाड़ के इसे 5 कह दिया, कई बार 5, और पीछे से वापस एक आके 30 लग गया कि 20 लग, 30 20, ये 20, ये हो गया दोनों का मिला के 5 और ये 5, नजर आ रहा है? हमें दिख रहा है कि ऐसे देखने वालों को तो लगेगा ये पैरेलल लगे, अबे गधा हो, एक छोटा सा काम करना है, बैटरी से लेके चार्ज चलना है, चार्ज तय करता है कौन सीरीज और कौन। तो बैटरी से निकलने वाला चार्ज जो ऐसे गया वो ऐसे 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 घूमता हुआ इसी में वापस आ गया, इसका मतलब ये तीनों किस्में हैं सीरीज, ये तीनों किस्में हैं, चार्ज सेम तो सीरीज, चार्ज डिवाइड तो पैरेलल, दैट्स थिंग, बस हो गया। तो अब ये तीनों ऐसे घूम के इसमें आ गए तो सीरीज का हम फार्मूला निकालें तो 1/C1 1/C2 1/C3 लगा के इसका हल निकालें, पहला आंसर आ जाएगा। हम तो कहते हैं ये कभी ना लगाएं, हमने कहा कि 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में हों तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का सबसे पहला तरीका, ये दोनों सीरीज में हैं कि नहीं पहले, तो 20 5 100 और 100 को 25 से भाग देना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 के साथ 12 किसी तो 12 4 48 / 12 4 16 आंसर 3 आएगा, आंसर कितना आएगा? तो आप यह तो ये फार्मूला लगा लो, 1/12 1/5 1/20 लगाओ भाई, निकलेगा 3। और यह तो हमसे सुनो तो हम कहेंगे मत लगाओ, पहले 20 और 5 की सीरीज है क्या? तो 20 5 100 और अपान इन दोनों के योग से डिवाइड 25, तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये दोनों मिलके हो गया 4, इस 4 के साथ इस 12 की सीरीज है क्या?
तो 12 × 6 = 48 और 12 × 4 = 16, 48 को 16 से भाग करो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 3। तो क्या इसे लगाने की जरूरत थी, ओरल लगना था, इन दोनों का सीरीज यानी पैरेलल 5, तो 20 × 5 = 12 का सीरीज है, तो 20 × 5 = 100 / 25 = 4 और 4 के साथ 12 का सीरीज निकालेंगे आएगा 3। हो गया खत्म, एक पार्ट लग गया। और अब इसका पार्ट 2 लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्ट 1 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ तुमको चार्ज डिवाइड होता दिख रहा है, तुमको कहाँ चार्ज डिवाइड होता वहाँ दिख रहा है, कहाँ डिवाइड हुआ दिखावा तो? कहीं डिवाइड होता दिख रहा है, ये डिवाइड होता है। अगर यदि बेवकूफ लड़की, ये कैपेसिटर अगर ऐसे लगे होते तो चार्ज ऐसे एंट्री करते क्या, डिवाइड तुमको दिखने में लगा, बेवकूफ ये कहते हैं जग मार रही है क्या मैट कर दी, ये कैपेसिटर यहाँ से ऐसे चार्ज लेके चलेगा और ऐसे एंट्री करता जा रहा है समय, डिवाइड तो तब दिखता है जब एक ब्रांच ऐसे बन गई एक ब्रांच ऐसे हो गई तब डिवाइड होता है, ये चार्ज आने वाला डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, 2 μF संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो भैया यही दो है ना, तो दो बेसिकली 3 का पैरेलल था, तो 3 और 2 दोनों मिला के 5 हुआ था क्या, बोलो, 2 जो था वो 3 का पैरेलल था ना, और 3 और 2 को समेट के मैंने क्या बनाया था, 5, पक्का है। हमें 2 μF वाले का विभवांतर पूछा, यहां पर वोल्टेज पूछा, यानी जो वोल्टेज 3 वाले का होगा वही वोल्टेज 2 वाले का होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं 1 करोड़ बार बता चुका पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, होता है। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जो 3 वाले का होगा वही 2 वाले का होगा कि नहीं होगा, और इसका मतलब 3, 2, 5 मिलाकर के जो होगा, जो 5 वाले का होगा वही 3 वाले का होगा वही 2 वाले का होगा, यही तो है, 3 और 2 पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, और 3, 2 मिला के कितना बनाया है, 5। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 3। सर्किट से निकलने वाला सबसे पहले चार्ज पता करो, Q = CV। सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3, सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज 1500 × 3 कितना हो गया, 4500 μC का चार्ज इस बैटरी से निकलना शुरू करेगा, बोलो निकलेगा, वो 4500 μC का चार्ज इसमें जाएगा, वही 4500 का इसमें जाएगा और वही 4500 इसमें जाएगा। मैं आपसे कहता यहां का वोल्टेज बताओ तो V = Q/C होता क्या, वी बराबर कितना क्यू की एंट्री हो रही, जो बैटरी से निकलेगा वो इसमें वो इसमें वो इसमें जाएगा, तभी तो तीनों सीरीज थे, तो कितना क्यू बैटरी में एंट्री कर रहा है, 4500, और इसका सी कितना है, 5। 4500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मुझे पता चल गया कि इस 5 μF वाले वोल्टेज एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, 1500 वोल्ट में से 900 वोल्ट अकेले लेके बैठा है। अगर इसी सब्सिक्वेंट में हमें यह पता कर लेना होता कि साहब यहां पर कितना वोल्टेज, इसका नाम हम कुछ दे देते, इसका नाम अगर V2 देते तो अच्छा होता, इसका नाम V बन देते, तो V बराबर यहां भी Q/C लगता, तो क्यों तो इसके भी 4500 भी गुजर आए, सी 12 × 36 9, हाँ 36 × 5 = 9, 9 = 0 68 12 × 5 = 60 कितने वोल्ट आता है इसके हिस्से में, 375। आपसे मैं कहता साहब इसका भी वोल्टेज बताए, चलिए जब आए ही हैं इसके वोल्टेज का नाम V3 देता, V = Q/C यानी 4500 और C को डिवाइड कर दे तो 225 वोल्ट। और देखिए मैं फिर से साबित कर पाया हूं कि ये 1500 वोल्ट था, इन तीनों में बटने के बाद वापस 1500 होना चाहिए, हो गए 300 तब का योग, इन सबको जोड़ लीजिए 1500, 375, 900 और 225 जोड़ लीजिए कितना आएगा 1500। तो चलिए, तो एक सवाल हमारा अभी रह रहा है, सेकंड वाला पूछा था 2 μF वाले कैपेसिटर पर विभवांतर, तो जो 3 वाले का होगा वही 2 वाले का होगा, और 3, 2 मिला के 5 हुआ था, तो 5 वाले पर कितना विभवांतर था, तो जो 5 वाले का होगा वो 3 वाले का होगा, जो 3 वाले का होगा वो 2 वाले का होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो कितना वोल्टेज होगा, 900 आया है क्या। चलो अब और सवाल है, अभी 3 μF पर आवेश,
तीन माइक्रोफेरेट पर, तो तीन माइक्रोफेरेट यही है। तुमको पता है 900 वोल्ट यहाँ था, 900 वोल्ट यहाँ था, तो यहाँ का वोल्टेज पता चल गया है, कैपेसिटेंस पता है, तो Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर C हो गया, तीन V हो गया, 900 नौ तिया 2700। तो ऐसे ओरल आंसर लिखते रहिए। एक और सवाल का जवाब आ गया, तीन माइक्रोफेरेट पर आवेश 2700। बोला 20 वाले की ऊर्जा, तो 20 वाला ये है क्या, तो 20 वाले की ऊर्जा चाहिए, तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो C हो गया 20। और इसका वोल्टेज में निकाल के तैयारी पहले कर लिया था, आया क्या। 12 वाले की ऊर्जा, तो 12 वाले की ऊर्जा चाहिए, तो U बराबर लगा दो हाफ सी, उसका भी है 375। मैंने तैयारी पहले भी कर ली थी ना भाई, मैंने इसका वोल्टेज निकाल लिया, तो साथ में इसका और इसका भी निकाले चलिए। 17 साल से झक थोड़ी ना मार रहा हूँ, मुझे पहले से पता है कि इनके एनर्जी चाहिए होंगी, एनर्जी के लिए वोल्टेज चाहिए होगा, तो पहले निकाले चलो, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, सवाल भी साल हो जाएगा। तो जो ये एक पेज से लेकर के यहाँ और यहाँ तक लगा है, उसे इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना स्टैंडर्ड पाने के लिए, इतना लेवल पाने के लिए करनी पड़ेगी राइट प्रैक्टिस, करनी पड़ेगी सही ट्रेनिंग, करना देखना पड़ेगा आपको बार बार ये वीडियो, तो जब बार बार आप देखेंगे तो खुद ब खुद ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम तो इसे ओरल ही लगा लिए होते, हाँ इसको हमें भी कलम चलाने की जरूरत नहीं थी, और आपको भी नहीं पड़ेगी भविष्य में, आपको भी भविष्य में पड़ेगी नहीं इसकी जरूरत, ओरल लग जाएंगे। ओरल दिखाओ, ओरल लगा दे, हमने देखा तीन के साथ दो का पैरेलल था तो पाँच आ गया, तो हमने देखा 12 5 और 20 सीरीज में है, तो पहले 20 और 5 की सीरीज निकाल लिया, जो चार आ गई, चार तो आई, और चार के साथ 12 का सीरीज निकाल लिया, जो तीन आ गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया तीन। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते, सबसे पहले बैटरी से निकलने वाला चार्ज पता करिए, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, तो हमने देखा 4500 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से एंट्री कर रहा है और ऐसे ऐसे घुस रहा है, 4500 यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तीनों में गया कि नहीं गया। जब 4500 माइक्रो कूलम का चार्ज इन तीनों में गया, तो तीनों ने कुछ कुछ वोल्टेज खाया होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज सेम होता है, तो इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज सेम था, जो 4500 था, 4500 को 5 से भाग दिया 900 आ गया, 4500 को 20 से भाग दिया 225 आ गया, 4500 को 12 से भाग दिया 375 आ गया। हमसे कहा सबके वोल्टेज बताओ, सबके वोल्टेज बताने को नहीं कहा था, हमने निकाल लिया। हमसे पूछा था 2 माइक्रोफेरेट तीन वाले का चार्ज पूछा था, हमको पता था पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, 900 था, तो इसका मतलब 900 यहां था, 900 यहां था, 9 × 27 आंसर आ गया। हमसे पूछा था इसकी एनर्जी बताओ, इसकी तो U बराबर लगा दिया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर लग गई ना, इसकी एनर्जी बताओ, लगा दिया U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, खत्म हो गया खेल खत्म। तो बात और कंसेप्ट क्लियर हुई कि नहीं। एक और सवाल देख लीजिए, ये थे आज के 38, 39 और 40। एक प्रश्न और आप तक पहुंचाता हूं, 5 मिनट का समय और ले लीजिए, सवाल खत्म। आज सर वीडियो कोई चला ही नहीं, सुबह से पूरा डिस्टर्ब था एकदम फुल्ली, तो बस वीडियो बनाए दे रहा हूँ, इसको पढ़ाई दे रहा हूँ, और आप भी वही कर दीजिए, आज का कंटेंट बना दीजिए, नोट दे, छोड़ दे, नोट्स दे देंगे, असाइनमेंट कर वही पढ़ाना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल आज का देख लीजिए, एग्जाम्पल 42 के साथ आइए, लास्ट फोन क्वेश्चन है आज का। 42 नंबर कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार चार कैपेसिटर, देखिए एक एक पेज में लगे हुए सवाल हैं, निकलना चाहते हैं बचना चाहते हैं तो तरकीब और कंसेप्ट के ऊपर पूरा फोकस करिए, ये जिंदगी भर कभी गलती नहीं होगी, और नहीं किताबों में मरते रहिएगा, जीवन खत्म हो जाएगा यही किताबों में मरते मरते, तुम कभी कैपेसिटर नहीं सीख पाओगे, कभी सर्किट नहीं लगा पाओगे, इसकी गारंटी हमसे ले लो, और हमारे साथ वर्क करते हुए सीख रहे हो तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा। जिन सवालों को ये राइटर्स एक पेज में लगाते हैं, डेढ़ पेज में लगाते हैं, उस सवाल को हमारा बच्चा आंख उठा के देख लेगा और उसका सर्किट का सवाल फिनिश हो जाएगा, बस ऐसे देख लेगा बता खत्म, तभी तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ समय, ये एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में चार सवालों को 40 बार लगा लेने से ये हो जाएगा, और एक ही दिन में 400 सवाल लगा देने से जिंदगी में कभी नहीं है, मैं लगा सकता हूँ एक दिन में पूरे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ही वही है, लेकिन मैं एक दिन में तुम्हें चार प्रश्न सिखाऊंगा और चार प्रश्नों पर काम करेंगे। बस आज का सवाल है C1 3 माइक्रोफेरेट, C2 C3 C4 सब 9 9 9,
इसका नाम C2 है, ये भी 9 माइक्रोफेरेड, इसका नाम C3 है, इसका वैल्यू भी 9 माइक्रोफेरेड, इसका नाम C4 है, ये भी 9 माइक्रोफेरेड, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इस जगह का नाम A दिया गया है, इस जगह का नाम B दिया गया है, और प्रश्न सबसे पहला उठाया है A B के बीच तुल्यधारिता। मैंने एकमात्र कंसेप्ट बताइए जिसके बीच में तुल्यधारिता चाहिए, पहला काम उस जगह पर एक बैटरी लगाइए। कभी देख करके कोई सीरीज और कोई पैरेलल पता नहीं किया जाता है, बैटरी से निकलने वाला चार्ज तय करता है कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। तो आइए, इस बैटरी से निकलेगा एक चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, अगर बैटरी लगाई तो बैटरी में तो चार्ज आएगा, वो चार्ज यहां जाएगा और कुछ चार्ज इधर को भी तो जाएगा, जो यहां से चला आ रहा है उसकी एंट्री इधर भी होनी है और इसकी एंट्री इधर भी होनी है। बोलो, ये यहां से एंट्री मार करके ऐसे लौट रहा है क्या? तो बैटरी का टर्मिनल मिलने तक ये तीनों लाइन में आए हैं क्या? तो अगर बराबर बराबर कैपेसिटर के कैपेसिटी के दो कैपेसिटर हों तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में होने पर आधा कर देते हैं, तीन ठो बराबर बराबर हो तिहाई कर दीजिए, चार ठो बराबर बराबर हो चौथाई कर दीजिए, लेकिन सीरीज में होना चाहिए। और तुमको तसल्ली ना हो तो ये फार्मूला जिंदाबाद है, लगा लीजिए, तभी तो वही आएगा, कोई फारसी थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये भी तो तीन ही आएगा। हमने देखा कि यहां से चला हुआ चार्ज इन तीनों में सेम गया है, तो ये तीनों सीरीज में है कि नहीं है? तो अगर आपको थोड़ा कमजोर मन मस्तिष्क है तो दोबारा रीड्राइंग कर लीजिए। रीड्राइंग करने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कभी आपको गलती नहीं होने देगी, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। यह था 3 माइक्रोफेरेड का, और इन तीनों को समेटा तो इनका इक्विवेलेंट भी कितना आया है? 3। अरे 9 9 9 की सीरीज थी तो 1/9 1/9 1/9 3/9 9/3 हो गया। अब हमसे कहा गया था ए बीच के बीच की तुल्यधारिता, तो यहां से आने वाला चार्ज यहां और यहां डिवाइड हुआ है, तो इस तीन के साथ इस तीन का क्या है? क्यों है? क्योंकि यहां से आने वाला चार्ज इधर उधर डिवाइड हो रहा है। बैटरी और चार्ज तय करेगा सीरीज पैरल, हम तय नहीं करेंगे। ये चार्ज डिवाइड हो रहा है मतलब ये पैरल है, 3 और 3 का पैरल 6 हो जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट का जवाब आ गया C=6 माइक्रोफेरेड, ये आ गया है। इसके बाद एक और सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं इसी का। यदि 4 वोल्ट की बैटरी लगा दें, यहां अभी बैटरी अनोन थी, अब कितने वोल्ट की हो गई? वो 4 वोल्ट की बैटरी लग गई। ए बी के बीच जोड़ा जाए तो कैपेसिटर पर कुल कितना चार्ज होगा? तो टोटल चार्ज पूछ दिया, तो टोटल सी मेरे को मिल चुका है। टोटल क्यू पूछा है तो क्यू बराबर सी वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्यू बराबर टोटल सी टोटल वी। एक और आंसर आ गया 24 माइक्रो कूलम आया क्या सेकंड वाले पार्ट का आंसर? इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है तीसरा, ए और डी के बीच जोड़ दिया जाता अगर यही बैटरी, तब तो डी को यहां नाम दे दिया है, इस जगह इसका नाम डी दे दिया गया है, तब टोटल सी और टोटल क्यू कितना होता? पहले दो पार्ट तो आसानी से आ गए, अब सवाल और सीन दोनों चेंज हो गए हैं। अब ये बैटरी जो है वो ए और बी के बीच में न लगा करके, ये दो सवाल खत्म हो गए, इनको हटा दूंगा, ये दो सवालों को यहां से हटा दीजिए। अब उन्हीं दोनों सवालों के जवाब लाने हैं, लेकिन आपकी बैटरी की पोजिशन चेंज हो गई है। बैटरी की पोजिशन तय करती है कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। ये बैटरी की पोजिशन चेंज हो गई तो ये करंट यहां से चलेगी, अब जो करंट यहां से चलेगी या चार्ज चलेगा वो इधर जाएगा, जब तो इधर जाते जाते देखो यहां तक सेम आ रहा है क्या? देखिए बैटरी का टर्मिनल यहां लग गया है, तो जो चार्ज यहां से चला है वो यहां से एंट्री करते करते यहां तक आया है क्या? तो ये दोनों किसमें हो गए? और इधर वाला चार्ज जो यहां से आया था वो यहां से एंट्री करते करते यहां तक आया है, तो ये दोनों किसमें हो गए? इन दोनों का सीरीज 9 9 का सीरीज 4.5 आता, आधा हो जाता है, और 9 3 का सीरीज निकालता तो 9 3 27 / 12 आता, नहीं आता? 9 3 का सीरीज 27 / 12 होता और 9 9 का सीरीज 4.5 होता, तो इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना होता, क्योंकि अभी यहां से यहां का चार्ज डिवाइड है, तो अगर थोड़ी देर घबराहट हो रही है तो दोबारा सर्किट असेंबल कर लीजिए, यही तो करने को कहा गया था। ये मेरी बैटरी जिसको ए और डी के बीच में लगाया गया,
लगाया गया। इन दोनों को समेटा तो 9 × 27 / 12 है क्या, इन दोनों को समेटा तो 9/2 यही है ना, 4.5। लेकिन अब देखो इस 27/12 के साथ 9/2 यानी 4.5 का पैरेलल है क्या, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सब निकलने ही वाला है। 27/12 को 9/2 के साथ ऐड कर दें, 12 LCM होगा तो 27 हो गया, 6 × 9 = 54 हो गया क्या। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 54 × 54 = 27 तक का 81 होता है अपान 12, ये इसका आंसर होगा। अभी एक और सवाल इसमें रह गया था चार्ज निकालने का, सर्किट का टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू बराबर CV, तो टोटल सी हमने 4 वोल्ट का लगाया था अभी, और टोटल क्यू मेरा 81/12 आ गया है, कैलकुलेट करा लीजिए 4 × 3 = 12 ये आंसर आ जाएगा 27। पक्का है कंसेप्ट क्लियर हो गई, आज यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन बताएं, इनको ठीक से वॉच कर लीजिए, दोबारा जाकर के किताबों में देख लीजिए, इन सवालों को फिर से लगाइए और जो डाउट हो उनको बताइए। ओके ट्राई करें क्या सर एक बार, शायद लग जाए।